بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. अजीज दोस्तों और प्यारे साथियों, माओ बहनों, तमाम कसम की तारीफें वो हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है जो हमारा हकीकी मालिक, हकीकी खालिक और हकीकी मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सरवर कायनात फखर मौजूदात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को सिरात मुस्तकीम में मरते दम तक कायम रखे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में जमा करें। आमीन या रब्बल आलमीन। शिया और उनके अकायद एक सिलसिला है, मुसलसल हमने उनके कई अकायद देखे और हमने ये जाना कि उनके ये अकायद कितने घनावने और कितने खतरनाक हैं। हमने उनके किताबों से ये साबित किया कि ये अकायद बिल्कुल बातिल और ऐसे अकायद हैं जो इस्लाम की बुनियादों को हिलाकर रख देती हैं। उन्हीं अकायदों में से एक अकीदा ये है मेहदी अलैहिस्सलाम का वापस आना। क़यामत के निशानियां कई हैं, उसमें से छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। छोटे निशानियां अनगिनत हैं, इसकी कोई तैदाद नहीं। इसमें से कई आ गए हैं, कई आने वाले हैं, कई आकर अभी जारी वो सारी हैं, और बाज़ निशानियां हैं जिनको बड़े निशानियां कहा जाता है, जिनकी तैदाद 10 है। उनमें से सबसे पहले निशानी मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, मेहदी अलैहिस्सलाम का आना। जैसे कई सही अहादीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत के करीब मेहदी आएंगे जिनका नाम मेरे नाम पर होगा, जिनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, यानी उनका नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। और ये हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से होंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दो बड़े लड़के, मशहूर लड़के, एक हसन और दूसरे हुसैन। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु काफी मुद्दत तक रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मराहिल देखे, और हसन जिनकी वफात बहुत जल्द हो गई, इनके औलाद से ये होंगे, इनके खानदान से ये मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे जिनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। और ये जब आएंगे उस वक्त सारी दुनिया की हालत इंतहाई बदतरीन होगी,
मुसलमान बड़े कस्ब मुर्सी की हालत में होंगे, मुसीबत ज़दा होंगे, मुस्तहिदीन होंगे। वैसे सूरत में अल्लाह ताला मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा। सही हदीस से साबित है कि ये मशरिक की तरफ से आएंगे, मशरिक की तरफ से आएंगे। किसी बस्ती का जिक्र नहीं है बल्कि सिर्फ मशरिक की तरफ से आएंगे, और आने के बाद इराक को जब पार करेंगे वहां से ये मशहूर हो जाएंगे, लोग इनको पहचानने लगेंगे, यहां तक कि ये मक्के में दाखिल हो जाएंगे और लोग इनको इनके घर से लेकर आकर इनके हाथों में बैत करेंगे। कहां पर? हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान। और उस वक्त जितने भी लोग हज को आए होंगे, दूसरे अराक जो है उम्रे के लिए आए होंगे, सब इनके हाथ में बैत करेंगे। और माहौल ऐसा होगा कि एक खलीफा रहा होगा जो वफात पा गया होगा, लोग अब किसी अमीर की तलाश में होंगे, तो उस वक्त लोग इनको इख्तियार कर लेंगे। जैसे ही ये खिलाफत इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह ताला इनके जरिए से उम्मत इस्लामिया को, उम्मत मुस्लिमा को बड़ी ताकत देगा, बड़ी तकवीत बख्शेगा, जिसके जरिए से ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन ईसाइयों से लड़ेंगे। अहदीस में अलमलहमतुल कुबरा का जिक्र आया है, यानी एक बहुत बड़ी जंग, जिसके ताल्लुक से हदीस में आया है कि इस जंग में ईसाई 12,000 झंडे लेकर आएंगे और हर झंडे तले 12,000 लोग होंगे। इतनी बड़ी तादाद लेकर वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए आएंगे। मुसलमान मेहदी अलैहिस्सलाम के इमामत में उनके खिलाफ निबरद आजमा होंगे, घनाओं लड़ाई होगी और अल्लाह ताला इस लड़ाई में मुसलमानों को जीत देगा। और मेहदी अलैहिस्सलाम अगरचे के मक्के में उनके हाथों में बैत होगा, लेकिन इनका सारा काम शाम की तरफ होगा, क्योंकि ईसाई उधर जो है अपना रोब डालने की कोशिश करेंगे, ये आगे बढ़कर उनको पीछे ढक लेंगे, ईसाइयों को पसपाई के लिए मजबूर करेंगे। उसके बाद होगा ये कि ये जिंदे होंगे, दज्जाल जाहिर हो जाएगा। और दज्जाल के फितने आप सुने होंगे, ये वक्त तो उसकी तफसील में जाने का नहीं है। और जैसे दज्जाल जाहिर हो जाएगा, चंद दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे। जैसे अहदीस में आया है, दिमश्क के एक मस्जिद में अल्लाह ताला फजर की नमाज के वक्त दो फरिश्तों के जरिए से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल करेगा। उस वक्त मुस्लिमीन के इमाम होंगे, वो उधर इमामत कर रहे होंगे, वो होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटकर कहेंगे कि आप इमामत करें। तसव्वुर कीजिए मेरे दोस्तों, कितना जो है बेहतरीन मंजर होगा कि आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे होंगे और पूरे मुस्लिमीन उनको देख रहे होंगे। बहरहाल मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे, कहेंगे कि आप इमामत करें, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इमामत तो तुम्हारी उम्मत के लोग करेंगे। ये कहकर पीछे हट जाएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत करेंगे। चंद दिनों के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम वफात पा जाएंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद दूसरी निशानियां जाहिर होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेहदी अलैहिस्सलाम जमीन में 7 साल तक रहेंगे बाज रिवायतों के मुताबिक, और बड़ा ही अमन का दौर होगा, जंग और जिहाद का दौर होगा, ईमान का दौर होगा, इस्लाम का दौर होगा, और उस वक्त इस्लाम और ईमान को जीत होगी, ईसाइयों को पसपाई पर मजबूर कर दिया जाएगा। यह है अकीदा हमारा मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अहलुस सुन्ना वल जमा का अकीदा मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये होगा, जिसका जिक्र मैंने मुख्तसरन आपके सामने किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अहलुस सुन्ना वल जमा का अकीदा मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या है, यही मुख्तसरन अकीदा है। हम मेहदी अलैहिस्सलाम के नहीं कहते कि ये जमीन में आएंगे तो नाम इनका इंसानों का होगा, देखने को इंसान जैसे होंगे लेकिन पूरे करिश्मात और मौजजा दिखाएंगे, ये हमारा अकीदा नहीं। मौजजात करिश्मात होंगे जैसे होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि शिया के पास ये कैसे होंगे। तो मुख्तसर तौर पर ये है मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसा होगा, लेकिन ईसा जो शिया है उनके पास मेहदी अलैहिस्सलाम का किस्सा ही कुछ और है। वो ये कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम ये 12वें इमाम है, इनके कुल 12 इमाम है। सबसे पहले अली बिन अबी तालिब, और उसके बाद हसन बिन अली, उसके बाद हुसैन बिन अली, और उसके बाद अली बिन हुसैन, और उसके बाद मोहम्मद बिन अली, और उसके बाद जो है जाफर सादिक,
और उसके बाद जो है मूसा अल काज़िम, उसके बाद अली रिदा, उसके बाद अल जवाद, उसके बाद अल हादी, उसके बाद अल अस्करी, ये 11 इमाम है। और 12 इमाम है जिनका नाम उनके मुताबिक मोहम्मद बिन हसन अल महदी होगा। ये 12 इमाम है जिनमें से 11 इमाम आकर चले गए, और सिर्फ 12वें इमाम है जो नहीं आए हैं। वो कब आएंगे? क़यामत के करीब आएंगे उनके अकीदे के मुताबिक। जब हम तारीख में नजर डालते हैं, ये हकीकत जो ये बात जो लोग कहते हैं इसके हकीकत के तह को जब हम पहुंचेंगे तो हमको मालूम होता है कि ये मोहम्मद बिन हसन अल महदी के नाम से कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ, कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कोई शख्स था ही नहीं। बल्कि तारीख की किताबें इस पर इत्तेफाक करती है कि 11वें इनके इमाम जिनका नाम है हसन अल अस्करी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। जब ये वफात पा गए तो इनके विरासत के माल को इनकी वालिदा और इनके भाई जिनका नाम जाफर था आपस में तकसीम कर लिए। ये तारीखी गवाह है। और इनकी किताब अल काफी में भी इसका जिक्र है। अल काफी जैसे बताया मैं, उनके यहां एक मोतबर किताब है, जैसे हमारे यहां बुखारी है उस तरीके से काफी उनके पास है। बल्कि ये काफी उनके पास कुरान से ज्यादा मोतबर, कुरान से ज्यादा मुवस्सक है उनके पास। तो वो किताब में ये चीज का जिक्र है कि हसन अस्करी जो 11वां इमाम थे, ये जब वफात पाए इनकी कोई औलाद नहीं थी, इनकी विरासत इनकी वालिदा और इनके भाई के दरमियान तकसीम हो गई। तारीखी गवाही है। लेकिन ये हजरत कहते हैं कि नहीं, 260 हिजरी में हसन अल अस्करी को एक लड़का पैदा हुआ जो एक सिरदाब नामी एक छोटे गुफे में दाखिल हो गया। अब ये गुफे में है और ये कब जाहिर होगा? ये कहते हैं कि कयामत के करीब इस गुफे से, इस जो है कोह से, इस सिरदाब से हसन मोहम्मद बिन हसन अल महदी निकलेंगे जो सारी दुनिया में अमन कायम करेंगे, जिनके पास सही कुरान होगा। वो आएंगे तो सही शरीयत लेकर आएंगे, वो आएंगे तो क्या क्या करेंगे आगे आप सुनेंगे। इनके यहां यही महदी है और उसके अलावा ढेर सारे खुराफात हैं। हर साल वो लोग इस गुफे के पास जाते हैं, उधर ठहर जाते हैं, बड़े जोर से ताजिया मारते हैं, चीखते चिल्लाते पुकारते हैं, कहते हैं कि सारी दुनिया परेशानी में है, सारी दुनिया जुल्म से घिरी हुई है, आप अभी तक बाहर क्यों नहीं निकलते। ये इनकी कोशिश कितने साल से है? तकरीबन 1200 साल से मुसलसल यही काम करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आए, अब तक वो बाहर नहीं आए। अभी आप जो है इसकी तफसील में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर लड़का था मोहम्मद बिन हसन के नाम से, अगर कोई लड़का था तो इसे किसने जरा? शिया हजरात के दरमियान इसमें बड़ी ही शिद्दत के साथ इख्तलाफ है। तकरीबन ये औरत का नाम जिन्होंने इनको जना, इनके कौल के मुताबिक तकरीबन 12 से 13 नाम का जिक्र करते हैं। बाज लोग कहते हैं कि औरत का नाम सूसन था, बाज लोग कहते हैं कि औरत का नाम मुलेका था, बाज लोग कहते हैं कि रेहाना था, बाज लोग कहते हैं कि मरियम था, बाज लोग कहते हैं कि काली कलोटी एक लौंडी थी जिनसे मोहम्मद बिन हसन ने तसर्री की, और उसके बाद वो लौंडी गुफे में दाखिल हो गई, अंदर ही लड़के को जन ली और उसके बाद लड़का बाहर नहीं आया। इस तरीके से मुख्तलिफ अकवाल, मुख्तलिफ चीजें इनके किताबें मौजूद हैं और इनके उलमा खुद कहते हैं कि सही कौन था हमको खुद नहीं मालूम। सही कौन थी, किसने जाना, क्या इसके पीछे तफसील है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम अंधाधुन इस पर अकीदा रखते हैं कि मोहम्मद बिन हसन नामी एक शख्स उस गुफे के अंदर मौजूद है और क्यामत के करीब निकलेगा। और दूसरे जो है गैर मामूली ऐसे वाकयात बयान करते हैं, कहते हैं कि ये जो पैदा हुए ये रान के हिस्से से पैदा हुए, और उसके बाद इनकी पैदाइश कब हुई इसमें भी इख्तलाफ है। बाज लोगों ने कहा इनकी पैदाइश 250 पर 2 हिजरी, बाज लोगों ने कहा 255 हिजरी, बाज लोगों ने कहा 256 हिजरी, बाज लोगों ने कहा 260 हिजरी। इस तरीके से मुख्तलिफ अकवाल हैं। अगर सही माने में एक शख्स पैदा होता और वो लोगों के दरमियान मशहूर होता तो उसके वालिदा के नाम में इतने इख्तलाफात क्यों, और योम पैदाइश में तारीख में इतने इख्तलाफात क्यों?
तो इन तमाम वसायक पर हम गौर करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये एक ऐसा किस्सा है जो मकजूबा है, एक फैब्रिकेटेड थिंग है, एक घड़ी हुई चीज है जिनका अकीदा ये लोग अपने सीनों में रखकर फिर रहे हैं। अब सवाल जब इनसे कहा जाता है कि अगर ये गुफे में है तो क्यों बाहर नहीं निकलते, आखिर वजह क्या है, तो इनके कालिम अत्तूसी मशहूर है, वो कहता है कि असल में मोहम्मद बिन हसन डरते हैं लोगों से, ऐसे ही कहते हैं, लिल खौफ, खौफ की वजह से ये अभी तक गुफे में बैठे हुए हैं 1200 साल से, अभी तक अंदर है खौफ से, डर की वजह से, बाहर निकलेंगे तो कहीं जो है ये अहले सुन्ना उनको नहीं मार दे, लोगों से डर कर, आमतुन्नास से डर कर ये अभी तक गुफे में दबे हुए हैं। इनके कौल के मुताबिक इनके आलिम जिनका नाम अत्तूसी है उसने अपनी किताब अल गैबा में इसका जिक्र किया है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद बिन हसन डरते हैं तो ये इनके हक में तारीफ है या फिर मजम्मत है, इनके हक में तारीफ कर रहे हैं या फिर मजम्मत कर रहे हैं, जबकि हम अहलु बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों पर नजर डालते हैं तो ये सब शुजा थे, हिम्मत वाले थे, अली कैसे शुजा आदमी थे, और उसके बाद उनके औलाद में हुसैन, और उसके बाद जाफर सादिक, इमाम बाकर, ये सब पूरे ऐसे अइम्मा हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में हमेशा हक कहा, लोगों से नहीं डरे। अब ये लोग ये कहते हैं कि ये बारहवें इमाम डरते हैं, ताज्जुब की बात है, हज़रत अली के औलाद में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में है, इनको तो चाहिए था कि बाहर आए लोगों के सामने डटकर हक बोले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इससे खुद मालूम हो जाता है कि एक ऐसा किस्सा है ये लोग जो इनके ऊपर घड़े हुए हैं। अब दूसरा ये है कि अगर ये डरते हैं आम सुन्नियों से तो जब इनकी हुकूमतें कायम हुई क्यों नहीं आए, जब इनके खुद की हुकूमतें कायम हुई, जैसे अल फातिमिया की हुकूमत कायम हुई, जो मिस्र में लोग 200 साल हुकूमत किए, अब उसके बाद अब ईरान में किसकी हुकूमत है, इन लोगों की हुकूमत है, अब इराक में किसकी हुकूमत है, इन लोगों की हुकूमत है, और उसके अलावा तारीख में बनू बुएह के नाम से चंद लोग थे जो इराक में एक मुद्दत तक हुकूमत किए, और उसके बाद उबैदिया के नाम से बाज लोगों ने हुकूमत की, और उसके बाद जो है बहलविया के नाम से बाज लोगों ने हुकूमत की, तो शिया को तारीख इस्लाम में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमीनों में ताकत मिली और इन लोगों ने कई 100 साल तक हुकूमत की, और मिस्र में लोग जो फातिमिया इनके अकीदे रखने वाले हुकूमत किए तो इतना जुल्म किए, इतना जुल्म किए, जुल्म की कोई हद नहीं, बरमला अबू बकर उमर को इन लोगों ने गालियां दी, मस्जिद के दरवाजों में गालियां लिखकर लगा दिए, अजान को इन लोगों ने बदला दिया, और उसके बाद नमाज को इन लोगों ने बदला दिया, जिसका भी नाम अबू बकर उमर हो उसको इन लोगों ने कत्ल कर दिया, और इतना फितना बर्पा किया कि सारी तारीख इंसानियत सर पीट कर रह गई। अब सवाल यह है कि इनके जब हुकूमतें कायम हुई क्यों बाहर नहीं आए, फिर भी डरने की क्या जरूरत है, अपने ही तो लोग हैं, बाहर निकलना चाहिए। और इनके यहां एक झूठी रिवायत भी है, कहते हैं कि मूसा अल काजिम ने कहा कि जब आखिरी जमाने में मेहदी आएंगे तो इनको अल्लाह तआला इतनी ताकत देगा कि एक हाथ में पूरे झाड़ को निकाल देंगे, इतनी ताकत होगी, दो हाथ में दो झाड़ निकाल लेके फिरेंगे, और उसके बाद अगर किसी वादी में चीखेंगे तो वादी में जो पहाड़ है पूरे पहाड़ों में लर्जा तारी होकर पूरे चट्टानें गिर जाएंगी, इतनी ताकत होगी। तो इतनी ताकत वाले क्यों अभी तक बाहर नहीं आए, एक ऐसा मसला है जो क्या है, ना उन लोगों को समझ में आया और ना हम लोगों को समझ में आया, और हम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ये घड़ी हुई चीज है, ये एक बोहतान है, एक झूठी चीज है, जिसे इन लोगों ने अकीदा समझकर आज तक इसके मुताबिक अमल करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, इनके रिवायतों के मुताबिक ये जब बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या, काफी में एक रिवायत है कि जब मेहदी आएंगे इनके कौल के मुताबिक तो ये कुरान लेकर आएंगे, हमारे पास जो कुरान है कुरान नहीं है, ये जब आएंगे तो कुरान लेकर आएंगे जिसमें 17,000 आयतें होंगी और उसमें पूरी शरीयत मुकम्मल होगी। शिया हजरात के पास अकीदा यह है कि हमारी जो शरीयत है यह नाकिस है, मुकम्मल नहीं है, अब आदमी को चाहे जो भी इबादत करे कोई हरज नहीं, मुकम्मल दिन तो कब आएगा, मेहदी अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे, तब तक क्या करते रहे, तुक्या करते फिरते रहे, तुक्या के ताल्लुक से आपने गुज़िश्ता की मजलिस में सुन लिया, तुक्या करते फिरते रहे, चाहे नमाज पढ़े चाहे नमाज नहीं पढ़े, जो भी मनमानी चाहे करे, और मेहदी आएंगे तो शरीयत लेकर आएंगे, पूरा कुरान लेकर आएंगे, पूरा अहकामात लेकर आएंगे,
और उसके बाद आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इन जालिमों के पास दुश्मनी कितनी है। मां आयशा के ताल्लुक से कहते हैं कि उनको कब्र से निकालकर उन पर जो है हद जारी करेंगे, उनको उनके कब्र से निकालकर उन पर हद जारी करेंगे। मां आयशा से इनकी दुश्मनी इतनी है, इतनी है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बयान से बाहर है। हर एतबार से दुश्मनी करते हैं, जब भी किसी को गाली देना चाहते हैं तो मां आयशा का नाम लेते हैं, जब भी किसी कुछ कहना चाहते हैं तो मां आयशा का नाम लेते हैं, जब भी किसी आदमी कुछ हो जाए लायत मां आयशा पर भेजते हैं। पता नहीं इतनी दुश्मनी क्यों। दुश्मनी इस वजह से कि ये अबू बकर सिद्दीक की लड़की हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और इन्होंने ऐसे रिवायतों को नकल किया और ये बहुत बड़ी आलिमा थी, इनसे इतनी दुश्मनी है। कहते हैं कि इनको कब्र से निकालकर इन पर कोड़े बरसाएंगे, और उसके बाद कहते हैं कि अबू बकर उमर को उनके कब्रों से निकालकर सूली पर चढ़ाएंगे, सूली पर चढ़ाकर उनको अज़ियत देंगे। उसी तरीके से जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया उन लोगों के खानदान वालों को सबको कब्रों से निकालेंगे और सबको कत्ल करेंगे। मेरे दोस्तों, शिया हजरात के पास एक अकीदा रजा का भी है, एक अकीदा है जिसका नाम है रजा, जिसे तुकिया आपने सुना वैसा रजा का अकीदा है। रजा का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला किसी एक इंसान की शक्ल में दुनिया में आएगा, आकर अहले बैत की तरफदारी करेगा। जिन लोगों ने अहले बैत को अज़ियत दी, जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया उनको चुन चुनकर मारेगा। यह है रजा का अकीदा। इसके मुताबिक अगर कोई आदमी इनके दरमियान निकले, इनके मुताबिक उसने कुछ अच्छा काम किया, कहते हैं कि ये आदमी के ऊपर अल्लाह तजल्ली फरमा है। जैसे हिंदुओं के पास जो अवतार का कांसेप्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से इनके पास भी है। एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था अहमद अल अहसाई, 1214 हिजरी में। इस आदमी के ताल्लुक से कहते हैं कि यह आदमी क्या है, अल्लाह ताला इसके ऊपर तजल्ली फरमा है, रजा का अकीदा। और ये आया और इतने फितने किए, यहां तक कि मुस्तशरिकीन खुद जो यूरोप में रहते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, इस्लाम के ताल्लुक से रिसर्च करते हैं, इनको कहा जाता है मुस्तशरिक। एक मुस्तशरिक खुद लिखता है, कहता है कि जो अहमद अल अहसाई था ये असल में इंडोनेशिया के अंदर एक चर्च का पोप था। उसे बाकायदा एक प्लान के तहत इसे इराक भेजा गया। इराक में आया तो इसने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के अकीदे जो शिया के थे उसे बड़े जोरों शोर से शद्दोमत के साथ उसकी नशर शायद की। तो ये रजा का अकीदा है मेरे दोस्तों। यानी ये कहेंगे कि वक्तन फवक्तन बास लोग निकलेंगे जो क्या होंगे, अल्लाह इन पर तजल्ली फरमा होगा, और ये लोग क्या करेंगे, अहले सुन्ना को मारेंगे, क्या करेंगे, अहले सुन्ना को मारेंगे, उनका खून बहाएंगे, उनके साथ जो है बड़ा ही सख्त सलूक करेंगे। तो ये रजा का अकीदा शिया के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि रजा हमेशा के लिए, बाज़ लोग कहते हैं कि रजा सिर्फ मेहदी के लिए। बहरहाल रजा को मानने वाले ये लोग हैं। तो जब आएंगे क्या करेंगे, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को निकालेंगे और उनके जो है खानदान वालों को जिन लोगों ने अज़ियत दी सबको कत्ल करेंगे, और उसके बाद अरब से दुश्मनी करेंगे। पता नहीं कहां से लाया लॉजिक, ये जब आएंगे अरब से दुश्मनी करेंगे और जो भी अरबी मिलेंगे कत्ल करेंगे, और ये भी करेंगे कि तमाम लोगों को, तमाम अरबों को एक मैदान में जमा करके रोजाना 500-500 बोल के कत्ल करेंगे। जो भी मन में आया, जैसे भी समझ में आया, जैसे भी दुश्मनी जाहिर करने का मौका मिला, सब इन लोगों ने किया है। तो ये है मेरे दोस्तों इनके पास मेहदी, और हमारे मेहदी के ताल्लुक से आपने सुन लिया कि वो कैसे होंगे और उनका दौर कैसा होगा। ये मेहदी का अकीदा है इनके पास, जो क्या है, बड़ा ही घनावना और बड़ा ही खतरनाक अकीदा है। उसके बाद आइए एक दूसरे जो है अकीदे की तरफ चलते हैं। दूसरा अकीदा यह है कि ये लोग मुता को मानते हैं। मुता क्या है, ये मुता एक टेम्पररी शादी को कहते हैं। निकाह वो है जिसमें एक मर्द एक औरत से शादी करता है और औरत का
वली होता है और निकाह के लिए शाहिदीन मौजूद होते हैं, शहादत देने वाले मौजूद होते हैं। उसके बाद खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो आदमी उस औरत को अपनी इज्दवाजी जिंदगी में ले लेता है और उसके बाद उस औरत का नान और नफका, उस औरत पर खर्च करना, उसके बच्चों पर खर्च करना मर्द के जिम्मे है। अगर कोई आदमी इस तरीके से निकाह करता है तो उसके लिए क्या है, उस औरत से क्या कर सकता है, तमत्तो कर सकता है। ये एक सूरत है इस्लाम में जिसका नाम निकाह है। अब इन लोगों के पास, शिया के पास, निकाह के अलावा एक दूसरी चीज है जिसे लोग मुता कहते हैं। अब मुता क्या है, एक टेम्पररी शादी है। मुता क्या है, एक टेम्पररी शादी है। हां, शुरू में एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता को जायज करार दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन के बाद फौरन उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। जैसे मुस्लिम की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुम लोगों को मुता हलाल करार दिया था, लेकिन अब मुता क्यामत तक के लिए हराम करार दिया गया है। ये मुस्लिम की रिवायत है। और उसके बाद इब्ने माजा की रिवायत है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि ये मुता जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मुद्दत के लिए हलाल करार दी गई थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया जंग खैबर के मौके पर, जैसे हमारे यहां बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में भी है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने जैसे शराब और दूसरे मसाइल हलाल थे उसके बाद उसे हराम करार दिया गया, उस तरीके से मुता था जो शुरू में हलाल था और उसके बाद उसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। लेकिन शिया हजरात के पास आज तक ये चीज जायज है, बल्कि जायज नहीं, ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बरकत वाली चीज है। जैसे इनकी एक रिवायत में आता है, वसाइल इनकी किताब है, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुता करे यानी टेम्पररी शादी करे, यानी टेम्पररी शादी में क्या है, ना वली होगा, ना शहादत होगा, ना इसमें तलाक है, ना इसमें जिहार है, ना इसमें लियान है, यानी जिना के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं बस, लेकिन नाम क्या है, बदला दिए हैं, मुता रख दिए हैं। इसमें क्या है, वली की भी जरूरत नहीं, ना शहादत के लिए लोगों की जरूरत है, ना इसमें तलाक है, ना इसमें लियान है, एक रात के लिए मुता हो सकता है, बगैर जिमा के भी मुता हो सकता है। और मुता करने के बाद वो औरत कुंवारी नहीं रहती, मुता करने के बाद औरत कुंवारी नहीं रहती, और मुता जो है करना जो है क्या है, सवाब का बाइस है। जैसे हदीस में आता है इन लोगों के यहां अल वसाइल किताब में कि अगर कोई आदमी मुता करे उसके बाद नहाए तो उसके जिस्म में से जितने कतरे गिरते हैं हर कतरे से 70,000 फरिश्ते निकलते हैं, हर कतरे से 70,000 फरिश्ते निकलते हैं, और हर फरिश्ता इस मुता किए हुए आदमी के लिए दुआए इस्तिगफार करता है, और उसके बाद जो लोग मुता नहीं करते उन पर लानत भेजता है। देखिए जिना के लिए इन लोगों ने किस तरीके से रास्ते खोल रखे हैं। और उसके बाद क्या है, मुता क्या है, जानिया से भी हो सकता है। हमारे यहां इस्लाम में शरीयत क्या है, हुक्म क्या है कि जानिया से शादी नहीं होगी, जानिया से शादी नहीं करेंगे। और इनके यहां क्या है, जानिया से मुता करना जायज है। मुता करने के बाद विरासत की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आदमी शादी करने के बाद बच्चा पैदा हो जाए वो बच्चा उसका वारिस है, यह हमारी शरीयत है। ये शरीयत है पाक शरीयत, साफ और शफाफ शरीयत। क्या है कि आदमी औरत से फायदा उस वक्त उठा सकता है जब उस औरत की जिम्मेदारी ले ले मुकम्मल तौर पर, उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले ले मुकम्मल तौर पर। अगर इससे जुदा होना चाहता है किसी नागुजीर हालतों में, उसे वो तलाक के नाम से अलग कर सकता है, उसके लिए भी शुरूत है, उसके लिए भी शुरूत है। ऐसे ही मनमानी आदमी नहीं कर सकता। लेकिन इनके यहां देखिए मुता के नाम से जो चाहे आदमी कर सकता है, चार नहीं, चार की कोई कैद नहीं, मुता में आदमी जितनी भी औरत चाहे मुता कर सकता है। और उसके बाद मुता करने के लिए क्या है, सिर्फ उजरत है, दोनों के दरमियान इत्तफाक है कि एक रात के लिए इतना, दो रात के लिए इतना, एक महीने के लिए इतना, दोनों आपस में बैठकर इत्तफाक कर ले। इत्तफाक करने के बाद क्या कर सकते हैं, मुता कर सकते हैं। अब बच्चा पैदा हो जाए तो क्या है, वो बच्चे की इज्जत है, बड़ा बाबरकत वाला बच्चा है, कहा है बाप नहीं मालूम, मां नहीं मालूम। एक जो है रिसाला, एक मैगजीन है जिसका नाम मजल्लतुश शरा अशिया,
ये ईरान में निकलता है, अरब ममालिक में मजल्ला आता है। इस मजल्ले में, इस मैगजीन में लिखा गया है कि ईरान के अंदर तकरीबन 2.5 लाख से ऐसे ज्यादा से बच्चे ऐसे हैं जो क्या है मुतासिब पैदा हुए, ना इनके वालिदा का मालूम जो है ताल्लुक से मालूम है, ना इनके वालिद के ताल्लुक से मालूम है, कोई है नहीं मालूम, ऐसे बच्चे भरे पड़े हुए। इस तरीके से बेहयाई आम करना चाहते हैं, और उसके बाद मुताक करने के लिए मुसलमान होने का भी जो है कोई कैद नहीं है। औरत कौन भी हो सकती है, हिंदू भी हो सकती है, मजूसी भी हो सकती है, यहूदी भी हो सकती है, चाहे जो भी मजहब की हो, मुताक जायज है। लेकिन हमारे यहां क्या है, आदमी निकाह करे तो मोमिन से निकाह करें, मोमिनात से निकाह करें, मुस्लिमात से निकाह करें। मुशरिका से निकाह करेगा आदमी तो निकाह बातिल, निकाह बातिल, चाहे जितने भी बच्चे पैदा हो जाएं, वो बच्चे पूरे क्या हैं, गैर हलाल बच्चे हैं। शादी करने की एक ही सूरत है, उसके लिए शुरू है हमारे पास, लेकिन ये मुता के लिए क्या है, कोई शुरू नहीं। चाहे आदमी जैसे चाहे अपनी हैवानियत का इजहार करे, इस चीज को ये लोग जो है हलाल मानते हैं। और आज भी ईरान और दूसरे ममालिक जहां शिया हैं, इसे बड़े शद्दोमत के साथ करते हैं। और ईरान में और दूसरे ममालिक में इसकी एक दूसरी सूरत है, क्या है कि लोग एक हाल में जमा हो जाते हैं जिसमें मर्द और औरत होती है, अचानक लाइट ऑफ कर दिया जाता है, किस लिए, अल्लाह अकबर कहने के लिए, हु कहने के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद आदमी हैवान बन जाए, आदमी जानवर बन जाए, जो भी औरत हाथ में लगे हैवान में शुरू हो जाए। ये कोई जो है ऐसी बात नहीं जिसके लिए हम ताज्जुब पड़ जाए, ये हमारे इलाकों में भी होता है। लैलतुल गदीर के नाम से ये लोग एक रात मनाते हैं जिसमें ये बेहयाई को आम करते हैं और इसे बड़ा बरकत का बाइस समझते हैं, बरकत, चाहे जो भी करे। और इनके बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि इसमें अगर हाथ में किसी मर्द की उसकी बहन भी आ जाए, उसकी मां भी आ जाए, या फिर उसकी कोई महारिम भी आ जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। और यहां इनके जालिम उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई बच्ची पैदा हो, दूध पीती बच्ची है, उससे भी मुताजायज है बगैर जिमा के। और ईरान में आज भी ये जो इनके उलमा है जिनको मलाली कहा जाता है, मलयाली नहीं, मलाली, इनके यहां जो है क्या है, इनके महलों में, इनके इलाकों में, ये हर मस्जिद में इनके ग्रुप होती है। ये ग्रुप का काम क्या है कि महल्ले में कितने औरत बच्चियां हैं, कौन बालिग हो गई, बालिग होते बरकत के लिए भेज दो मस्जिद को, बालिग होते ही मस्जिद को बरकत के लिए भेज दो, मस्जिद में हैवान बैठे हैं जो बरकत फैलाएंगे, बरकत फैलाएंगे या फिर जुल्मत फैलाएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। ये आज भी चल रहा है इनके बस्तियों में। इस तरीके से इन लोगों ने मुता के नाम से ऐसे जो है हैवानियत को आम कर रखा है। अब ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग दलील के तौर पर अपने जो हैवानी हरकत को साबित करने के लिए दलाल भी देते हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि ये बाबरकत वाली चीज, इतनी बरकत वाली चीज जिसमें क्या है, आदमी नहाने के बाद उसके जिस्म में से जितने भी कतरे गिरेंगे, हर कतरे में 70,000 फरिश्ते आएंगे और हर फरिश्ता क्या है उस आदमी के लिए इस्तगफार करेगा, ये बाबरकत वाली चीज अहले बैत में किसी ने नहीं किया। अब वो हदीस में क्या है, जो लोग नहीं करेंगे उन पर क्या है, लानत है। अब अहले बैत में कोई नहीं किए, ना इसे अली किए रज़ियल्लाहु अन्हु, ना हुसैन किए, ना हसन किए, ना काजिम, ना जो है रिवा, ना जवाद, ना हादी, ना अस्करी, किसी ने नहीं किया मुता, सब मुता को हराम मानते थे। अब ये लानत किस पर फिटाएगी, ताज्जुब की बात है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, इतने नादान है कि अपने लोगों को खुद गालियां देते हैं, अपने लोगों को जो है इतना चढ़ाते हैं, इतना चढ़ाते हैं, कभी खुदा के बराबर उलूहियत रुबूबियत का दर्जा दे देते हैं, और गालियां देना है तो उनको भी नहीं भूलते, उनका भी हिस्सा गालियों में जरूर होता है जो उनसे शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब बतौर दलील जो है वो लोग जो है कुरान की एक आयत पेश करते हैं जिसमें उसका कोई शायबा ही नहीं है, जो सूरह जो है निसा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम,
इस आयत में अल्लाह ताला आगे चलकर कहता है फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न, अगर तुम किसी औरत से फायदा उठाए तो तुम उसका उजरत दे दो। अहले इल्म ने कहा इससे मुराद निकाह है, आदमी निकाह करे तो मेहर के साथ निकाह करे, बगैर निकाह के बगैर मेहर के अगर औरत जो है उसे राजी ना हो तो होता ही नहीं है। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या है, लड़की उल्टा मर्द को देना, कितना जहेज भी देंगे कितना करेंगे ये सब उल्टा होता है। कायदा यह है कि आदमी औरत को दे मेहर के तौर पर कुछ दे, उसके बाद उस औरत से निकाह करें, उसके बाद उस औरत से तमत्तो हासिल करें। तो इस आयत में फबस्तम तातुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न से इब्न जौजी और इब्न तबरी बड़े बड़े अइमा लुगवीन और उसमें मुफस्सिरीन नहवीन फुका सब ये कहते हैं कि इससे मुराद निकाह में जो मेहर है वो है। इसमें कहीं पर भी मुताह का जिक्र नहीं है, मुताह का जिक्र सिर्फ हदीस में आया है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। तो इन लोगों ने ये आयत के जरिए से जो एक नया रास्ता खोलने की कोशिश की, ये रास्ता इस आयत के अंदर मौजूद ही नहीं है सर से। और उसके बाद ताजुब की बात ये है, ताजुब के ऊपर ताजुब ये है कि ये मुताह इनकी किताबों में हराम करार दिया गया है, इनकी किताब मुखिद इसकी हुरमत वारिद हुई है। जैसे एक किताब है जिसका नाम इस्तिबसार, उसका मुल्लिफ है तूफी, इस रिवायत के अंदर, इस किताब के अंदर एक रिवायत है जिसमें कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुताह को हराम करार दिए हैं, इनकी किताब है इस्तिबसार, उसमें रिवायत मौजूद है। उसी तरीके से एक दूसरी किताब है जिसका नाम बिहारुल अनवार, इसके मुल्लिफ का नाम अल मजलिसी है, इस किताब के अंदर भी एक रिवायत है, जाफर सादिक से पूछा गया कि मुताह के ताल्लुक से क्या हुक्म है तो उन्होंने कहा ये तो सिर्फ फाजिर लोग करते हैं, माता फालू इल फवाजिर, ये करने वाले क्या है फाजिर और फासिक है, मोमिन से नहीं करते। ये किसमें है, उनकी किताब में रिवायत मौजूद है। उसी तरीके से एक दूसरी किताब है जिसका नाम मुसदरकुल वसाइल, इस किताब में भी जाफर सादिक से पूछा गया मुता का क्या हुक्म है तो उन्होंने कहा ला तुदन्निस नफ्सक, अपने आप को गलाजत में मत डाल। तो ये रिवायतें मौजूद है इनकी किताबों में खुद, लेकिन क्या है इन रिवायतों को ऐसे ही छोड़ दिया, वो झूठे रिवायतों को लेते हैं जिसमें मुताह को क्या है हलाल करार दिया। ताजुब की बात है, यहां आप सुने कि जाफर सादिक ने क्या कहा हराम करार दिए, यही एक दूसरी किताब अल काफी में कहा गया कि जाफर सादिक ने कहा कि मुताह तो करना जायज है, मुताह करना चाहिए, हाशिमी औरत से भी मुताह कर सकते हैं, गैर मुस्लिम औरत से भी मुताह कर सकते हैं। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा ही जो है ताजुब में डालने वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों जिसका ताल्लुक किससे था, मुता से था। ये मुता एक टेम्परवरी निकाह है जिसकी जवाज इस्लाम में मौजूद नहीं है, ये जायज था सिर्फ 3 दिन के लिए और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया गया। और जायज था 3 दिन के लिए किसके साथ, काफिर औरत के उसके साथ जिहाद के मैदान में 3 दिन के लिए, ऐसे ही जो है बरमला लोगों को छोड़ नहीं दिया गया था बल्कि कैद के साथ काफिर औरतों के साथ जो लौंडी बनकर आ जाती है उनको जिहाद के मैदान में जायज था सिर्फ 3 दिन के लिए, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया। उसके बाद क्या है ये हमेशा के लिए हराम रहा, लेकिन शिया हजरत के पास क्या है ये कयामत तक के लिए जायज है बल्कि करने वालों के लिए बरकत है। और उसके बाद आपने सुना इन लोग ये लोग कैसे मुख्तलिफ किस्म के जो है महफिलें जमा करते हैं और उसके बाद इस मुताह को जो है कैसे आम करार देने की कोशिश करते हैं, एक घनावना अकीदा है। आपने मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सुना, रजा के ताल्लुक से सुना और मुताता के ताल्लुक से सुना, और चंद कॉन्सेप्ट हैं जिसका ताल्लुक जो है शिया के घनावने अकीदे से हैं। इंशाल्लाह आइंदा की मजलिस में हम ये बयान करेंगे कि ये लोग ईरान में कैसे आए, ईरान की तारीख क्या है, ईरान में लोग कैसे आए, और इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिले तो सहाबा के ताल्लुक से इनका अकीदा क्या है, खास तौर पर अबू बकर और उमर का अकीदा इनके जो है क्या समझते हैं, और वो अबू बकर उमर के ताल्लुक से क्या क्या गलत रिवायतें बयान करते हैं और क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं गलत रिवायतों का, जिसमें कहा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वली बनेंगे। ये तमाम तफासिल इंशाल्लाह आइंदा की मजलिस में हम देखेंगे। बस इसे अपनी बात खत्म करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमने जो भी कहा जो भी सुना इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे।